student, in previous lecture we have studied about the crystallites and unit cell. Okay, now our today topic is a category of unit cell. So unit cell, two type of unit cell, primitive unit cell and central unit cell. So first of all, what is primitive unit cell? So primitive unit cell matlab constituent particle are present only on corner. मतलब जो भी पार्टिकल्स है वो पार्टिकल ओनली कॉर्नर पे होंगे. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा यूनिट सेल है, ठीक है. तो ये यूनिट सेल की टोटल कॉर्नर कितनी होगी? तो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ओके, तो इन प्रिमिटिव टोटल कितने एटम अटैच हो, टोटल कितने एटम होंगे? 8 एटम. क्यों? क्योंकि सेल की कॉर्नर कितनी है? 8 है. तो टोटल कितने एटम होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे? 8 पार्टिकल्स होंगे, ठीक है. सेकंड है सेंट्रल यूनिट सेल. तो सेंट्रल यूनिट सेल कैसे बोलते हैं? कि जिसमें पार्टिकल अदर देन कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. पार्टिकल कॉर्नर पे तो होते ही है, उसके अलावा उसकी डिफरेंट डिफरेंट साइड पे होते हैं और वहाँ पे वन और मोर देन भी हो सकते हैं. तो उसमें उसे क्लासीफाई कर उसके भी क्लासिफिकेशन है 3 types. फर्स्ट बॉडी सेंटर, सेकंड फेस सेंटर एंड थर्ड एंड सेंटर. तो फर्स्ट व्हाट इज बॉडी सेंटर? तो बॉडी सेंटर मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट ऑन कॉर्नर एंड प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल. मतलब कि उसमें पार्टिकल कॉर्नर पे तो है, उसके अलावा कहाँ पे है? क्योंकि ये जो यूनिट सेल है उसके सेंटर में, और सेंटर में जो भी पार्टिकल होता है वो किसी भी जगह पे टच नहीं होता है, ठीक है. सेकंड है फेस सेंटर. तो फेस सेंटर में पार्टिकल कॉर्नर पे तो होते ही है, उसके अलावा कहाँ पे होते हैं? उसकी फेसेस पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो पता होना चाहिए कि उसकी फेसेस किसे बोलते हैं. तो इसकी जो साइड है ये 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है. तो उसकी टोटल फेसेस कितनी है? 6 faces. और सेंटर ऑफ ईच फेसेस, जो भी पार्टिकल है वो कॉर्नर के अलावा ईच फेसेस है उसके सेंटर में भी होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फेस सेंटर. एंड लास्ट है एंड सेंटर. एंड, तो एंड सेंटर किसे बोलते हैं? कंसिडर पार्टिकल प्रेजेंट ऑन कॉर्नर एंड टू ऑपोजिट साइड. टू ऑपोजिट साइड का मतलब अगर ऊपर है तो नीचे होगा, आगे है तो पीछे होगा, राइट साइड है तो लेफ्ट साइड. मतलब ओनली टू ऑपोजिट साइड पे ही होगा और कॉर्नर पे तो होगा ही, ठीक है. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि ये जो हमारा प्रिमिटिव है, तो प्रिमिटिव में हमने स्टडी किया कि प्रिमिटिव में पार्टिकल कहाँ पे होते हैं? उसके कॉर्नर पे होते हैं, ठीक है. तो टोटल कॉर्नर कितनी है? टोटल कॉर्नर कितनी होती है? 8 होती है, ठीक है. तो ये 8 कॉर्नर में से ईच कॉर्नर और कितने यूनिट सेल को कंबाइन करती है वो आपको पता होना चाहिए. तो ईच कॉर्नर डिफरेंट डिफरेंट 8 यूनिट सेल के साथ कंबाइन होती है. मतलब वन कॉर्नर अटैच विद अदर 8 सेल. तो टोटल प्रिमिटिव में टोटल पार्टिकल कितने होंगे? ओनली 1 होंगे. क्यों? क्योंकि जो 8 कॉर्नर है वो 8 कॉर्नर में से ईच कॉर्नर और 8 सेल के साथ अटैच होती है, ठीक है. तो प्रिमिटिव में टोटल कितने होते हैं? टोटल 1 ही एटम प्रेजेंट होते हैं. क्यों? क्योंकि सब जगह पे थोड़े थोड़े थोड़ा थोड़ा पार्टिकल्स होता है और सब मिक्स होके क्या बनता है? 1 पार्टिकल्स होता है, ठीक है. नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? क्योंकि इन बॉडी सेंटर और इन फेस सेंटर, तो बॉडी सेंटर में टोटल कितने पार्टिकल्स होते हैं? तो मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया कि बॉडी सेंटर में कॉर्नर पे तो होते ही है, तो कॉर्नर का कितना होगा? 1. चलो कॉर्नर का 1 तो आपको पता है. फिर उसमें क्या बोला कि जो बॉडी है ना, बॉडी के सेंटर में होता है, तो बॉडी के सेंटर में जो भी पार्टिकल है वो और कई जगह पे अटैच नहीं होता है, ठीक है, टच नहीं होता है, तो वो पूरा 1 पार्टिकल. तो टोटल बॉडी सेंटर में कितने एटम होंगे? 2 एटम होंगे, 2 पार्टिकल्स होंगे, ठीक है. नेक्स्ट फेस सेंटर. फेस सेंटर में आपको क्या बोला था कि सेंटर कॉर्नर पे तो होते ही है, तो कॉर्नर का टोटल कितना हुआ? 1. और दूसरा कहाँ पे होता है कि सेंटर ऑफ ईच फेसेस. तो आपको वो पता होना चाहिए कि जैसे 1 कॉर्नर टोटल 8 सेल के साथ अटैच होती है, वैसे एक फेस है, एक साइड है, वो अदर कितने फेस, कितने सेल के साथ अटैच होती है. तो एक फेस है वो दो सेल को कंबाइन करती है. जैसे अभी आप लोग एक रूम में बैठे हो, ठीक है, तो आपके रूम की जो वॉल है वो
दूसरे कितने रूम को अटैच करती है, तो एक वॉल है वो दूसरे दो रूम को क्या करती है, अटैच करती है। वैसे ही एक साइड है, एक फेस है, वो दो यूनिट सेल को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो वन फेस कितने, वन एटम है वो कितने को अटैच करता है, दो यूनिट सेल को। तो और टोटल कितने फेसेस है, सिक्स फेसेस, तो ये कितने हो गए तीन, तो थ्री प्लस वन मतलब कितने हो गए, फोर एटम हो गए। कैसे फोर एटम हुए, पता चला कि टोटल सिक्स फेसेस है। ठीक है, एक फेस कितने को अटैच करती है, टू को, और टोटल फेसेस कितनी है, सिक्स। तो ये आंसर हमें कितना मिला, तीन, और हमारे कॉर्नर पे कितने हैं, वन, तो थ्री प्लस वन मतलब फोर। तो फेस सेंटर में टोटल कितने एटम पार्टिकल्स होते हैं, फोर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमें सिर्फ तीन ही स्टडी करने थे, प्राइमरी मतलब सिंपल, सेकंड बॉडी सेंटर एंड थर्ड फेस सेंटर। ओके, चलो नेक्स्ट, सेवन प्रिमिटिव सेल। जो सेल है वो सेल 14 टाइप के होते हैं। ठीक है, वो 14 को हमने डिवाइड किया है सेवन टाइप्स में, मतलब ये सेवन प्रिमिटिव सेल है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, रोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो ये जो सेवन टाइप्स है ना, उसमें टोटल 14 टाइप्स होते हैं। वो 14 टाइप्स कैसे हुए, तो फॉर एग्जांपल ये क्यूबिक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है PBF, तो ये PBF क्या है, तो कि P मतलब प्रिमिटिव, B मतलब बॉडी सेंटर, F मतलब फेस सेंटर, मतलब ये क्यूबिक में तीन टाइप के हो सकते हैं, मतलब तीन टाइप के है, प्रिमिटिव भी है, बॉडी सेंटर भी है और फेस सेंटर भी है, ये हुए थी। फिर टेट्रागोनल में पी और बी मतलब प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर दो टाइप के होते हैं, मतलब फाइव हुए टोटल। फिर रोम्बोहेड्रल फोर टाइप्स, पी बी एफ ई मतलब प्रिमिटिव भी है, बॉडी सेंटर भी है, फेस सेंटर भी है, एंड भी है, एंड सेंटर भी है, ये पांच और ये चार, नौ हुए। फिर हेक्सागोनल, हेक्सागोनल ओनली पी लिखा है, मतलब हेक्सागोनल में ओनली प्रिमिटिव ही पॉसिबल है। नेक्स्ट रोम्बोहेड्रल, ये इसमें भी पी है, मतलब ओनली प्रिमिटिव, ये 11 हुए। फिर मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर दोनों है, मतलब 13। और ट्राइक्लिनिक में ओनली पी, मतलब ओनली उसमें प्रिमिटिव, मतलब टोटल कितने हो गए, 14 टाइप हुए। ठीक है, उसमें से हमने ये सेवन टाइप में हमें करना है। तो क्यूबिक है, तो ये ए बी सी अल्फा बीटा गेमा ये सब क्या है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि जो भी यूनिट सेल है, यूनिट सेल की थ्री एजेस है और उसके थ्री एंगल है। कौन से थ्री एजेस, वो भी मैंने आपको बताया था कि ये ए है, ये बी और ये सी, ऐसे थ्री उसके क्या है, एजेस है, और उसके थ्री क्या है, एंगल है। ठीक है, तो क्यूबिक में क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मतलब तीनों एजेस क्या होगी, सेम, और अल्फा बीटा गेमा एंगल, ऑल एंगल आर सेम। उसके एग्जाम्पल है NaCl, जिंक ब्लैंक एंड कॉपर। नेक्स्ट है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में ए और ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब दो एजेस ए और बी सेम है एंड सी डिफरेंट है। अल्फा बीटा गेमा ऑल एंगल आर सेम, और उसके एग्जाम्पल है Y3, SnO2, TiO2 एंड CaSO4। थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब तीनों के तीनों जो एजेस है उसकी जो लेंथ है वो सब क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री है। नेक्स्ट उसके एग्जाम्पल है रोम्बिक सल्फर, KNO3 एंड BaSO4। नेक्स्ट हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब दो एजेस सेम है, एक डिफरेंट है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा इज इक्वल टू 120। उसके एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, ZnO एंड CdS। नेक्स्ट रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मीन्स तीनों की तीनों एज इज सेम, बट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गेमा नॉट इक्वल टू 90, मीन्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 बट बीटा नॉट इक्वल टू 90। उसके एग्जाम्पल है कैल्साइट एंड HGS। नेक्स्ट मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक के एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ऑल थ्री एजेस आर डिफरेंट, अल्फा एंड गेमा इज इक्वल टू 90 बट बीटा नॉट इक्वल टू 90। इसके एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक सल्फर, Na2SO4 इंटू 10H2O। एंड लास्ट ट्राइक्लिनिक, तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गेमा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। उसके एग्जाम्पल है K2Cr4 7 इंटू
सॉरी एंड H3BO3 CuSO4 इंटू 5H2O। ये जो टेबल है ये आपको एग्जाम में उसके एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है, और इसे टेबल फॉर्म में ही लर्न करना। थैंक यू।